हेलो गाइस, मेरा नाम है शुभ सिंह। आप सब देख रहे हैं आस्क गेमिंग। और मैं बता दूं, आज मैं आप सभी को बताऊंगा कैसे आप एक सिंगल वाटर बकेट से इनफाइनाइट वाटर बकेट सोर्स बना सकते हो, जो कि आप अपने स्काई ब्लॉक या फिर वन ब्लॉक ऐसे किसी वर्ल्ड में आप अपने यूज़ कर सकते हो, ऐसे कोई मैप में जहाँ पे रिसोर्सेज की थोड़ी कमी हो, थोड़ी क्या ज़्यादा कमी हो, तभी आपको ऐसे पानी नहीं मिलेगा। और आप उसको यूज़ कर सकते हो सिंगल वाटर बकेट से, एकदम अच्छे से बताऊंगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए, आपको उसके लिए सबसे पहले थोड़ा सा बोन मील और वाटर बकेट चाहिए होगा। बोन मील आप कंपोस्टर से भी बना सकते हो, ऐसे सिंपल अपना कुछ भी खाने पीने का। ये सिर्फ पंपकिन पाई नहीं, आप कोई भी चीज़ ले सकते हैं जिसकी हेल्प से आप इसको अपना ऐसे बोन मील बना सकते हो। बोन मील बना करके आप उसको ऐसे अपने इसमें यूज़ कर सकते हैं। मेरे पास अभी दो बोन मील है, मैं आपको दिखा देता हूँ। आपको ऐसे दो ब्लॉक ऊपर रखने हैं, फिर आपके पास जो वाटर बकेट है इधर डाल देनी है, फिर अब देखना है आपको करना क्या है। एक यहाँ पे बोन मील डालनी है, फिर एक और यहाँ पे। अब एक बोन मील और चाहिए आपको, तीन बोन मील चाहिए मुझे लग रहा है। मैंने ये हमें दूसरी बोन मील मिल गई अपनी। आपको ऐसे तीन बोन मील चाहिए। अब जो इसके आप यहाँ देख पा रहे हो, ये पानी के अंदर एक घास उग गई है, और उसके बगल जो छोटी वाली घास है, हमें ये डर्ट ब्लॉक के नीचे ही घास उगानी है, साइड में एकदम कॉर्नर पे। और अब उसके बगल जो इधर इस साइड हमारे इस तरफ जो ये वाली डर्ट है, इस जगह पे भी हमें एक ऐसी ही घास उगानी है। तो हम बोन मील ऐसे तुरंत यहाँ डाल देंगे। अब देखिए, यहाँ पे भी वैसे ही घास उग गई है। अब हमें वापस से अपने पास एक डर्ट लेना है। इस बार हमें फर्स्ट वाले ब्लॉक नहीं, सेकंड ब्लॉक को ऐसे कवर कर देना है। अब वापस हम इस ब्लॉक को तोड़ देंगे, तोड़ दिए। अब हमने जो पानी वेस्ट किया था अपनी एक वाटर बकेट से वापस ले लेंगे। अब वो डर्ट ब्लॉक टूट गया, मतलब सॉरी, वो घास भी टूट गया और आपको वाटर बकेट एक मिल गई। अब आप ये जो हमने पहले दो कॉर्नर लिए थे, ये दोनों, इन दोनों पे ऐसा कुछ भी नहीं करना है, पानी नहीं डालना है। हमें पानी डालना है इस वाले कॉर्नर पर, इन दोनों कॉर्नर में से किसी भी एक कॉर्नर पर, इस वाले या इस वाले कॉर्नर पे। तो हम इस वाले कॉर्नर या किसी भी कॉर्नर पर पानी डालेंगे, और ये हमारा इनफाइनाइट वाटर बकेट सोर्स बन गया। हम यहाँ से पानी ले लें, चाहे यहाँ से ले लें। हम आपको एक जगह एक बार और दिखा देता हूँ, खाली कर दिया। हम यहाँ से भी ले सकते हैं। ऐसे ही आप अपना इनफाइनाइट वाटर बकेट सोर्स, वाटर सोर्स बना सकते हैं, वो भी एक सिंगल वाटर बकेट से। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको ये ट्रिक अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को, प्लीज़। बाय।